हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं तो आपको खुश और अच्छा दिख ही रहा हूँगा। ये जो स्माइल होती है ना, ये किसी न किसी रीज़न की वजह से होती है। तो आज वो खुशी मेरे सामने है और मैं वो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो ये खुशी दी है पापा ने, जो आज मेरे फेस पे आप स्माइल देख पा रहे हो। तो पापा ने बेसिकली मेरे को ये चीज़ गिफ्ट की है जो मैं अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं उस खुशी की अनबॉक्सिंग। चलिए, तो वो खुशी ये है, GoPro 10। ये देखिए, लाइफ का फर्स्ट GoPro है मेरा ये। आज से पहले मैंने कभी कोई GoPro यूज नहीं किया है और फर्स्ट टाइम ये मेरे हाथ में है। मैं बहुत से लोगों को देखता था यार कि हर कोई GoPro लगाकर घूम रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, मैं भी कभी ना कभी यूज़ करूँगा। तो वो फाइनली आज दिन आ चुका है। तो मैंने GoPro के साथ कुछ एसेसरीज भी परचेज़ की हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये GoPro Hero 10 ब्लैक, और ये है Volta ग्रिप जो कि इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो मैंने इसके लिए ये भी परचेज़ किया है। और ये है GoPro का मीडिया मोड। इसके बिना GoPro के साथ मोटो ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने ये मीडिया मोड भी परचेज़ किया है। और साथ में ये लाइट मोड, ये आपको, आप जानते होंगे GoPro की नाइट में फोटोज़ और वीडियोस बहुत ब्लरी ब्लरी रहते हैं, तो ये मेरे को उस चीज़ में हेल्प करेगा। डार्क में मैं अच्छे से प्रॉपर लाइट के साथ मैं GoPro को यूज़ कर सकूँ। और एक ये मैंने लिया है GoPro ड्यूअल बैटरी चार्जर। तो ये कुछ एसेसरीज हैं। और हाँ, और एक मैंने ये GoPro दी टूल करके है, बेसिकली ये GoPro के जो माउंट्स होते हैं उनको टाइट करने के लिए होता है। तो ये वैसे यार मेरे को अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, चल सकता था आपसे काम, बट मेरे को बहुत छोटा सा प्यारा सा की रिंग टाइप मैंने ये लिया है। और उसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ली है, ये आप पैकिंग देख सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं GoPro 10 क्रिएटर एडिशन की जल्दी से अनबॉक्सिंग। आपको कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है और ये जो है हाइपर स्मूथ 4.0 के साथ आता है, जो कि हीरो 9 3.0 के साथ आता था। और इस पे कुछ ऐसी ये मार्किंग्स आपको मिल जाती हैं, 23 मेगापिक्सल का। इसमें आपको 5.3K की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है 60fps पर, और 4K आपको मिल जाती है 120fps पर। ये आपको 33 फीट तक वाटरप्रूफ मिल जाता है। ये आता है GP2 प्रोसेसर के साथ। बेसिकली GoPro 9 में GP1 प्रोसेसर आता था और ये GP2 प्रोसेसर GoPro 10 में ही उन्होंने रिलीज किया है। ये देख सकते हैं क्विक ऐप, ये आपको मिलेगी दोनों iOS और Android पर। अगर आप GoPro का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है। तो अगर हम बॉक्स की बात करें तो ये देखिए, एक कैमरा बॉक्स के अंदर, एक बैटरी, एक स्क्रू, और एक ये माउंट मिलता है, और एक हेलमेट माउंट, और एक डाटा केबल, और एक हार्ड केस। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस तरफ इसके जो जो हमें GoPro 10 में फीचर्स मिलते हैं वो मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। 23 मेगापिक्सल का इसका जो कैमरा शूटर है, 5.3K 60fps और 4K 120fps पर ये सपोर्ट करता है। और ये 10 मीटर तक वाटरप्रूफ है। और वॉइस कंट्रोल आपको मिल जाता है, 8K स्लोमो आपको मिल जाता है, डाटा ओवरलेज आपको मिल जाता है, और टाइमरैप 3.0 मिल जाता है इसमें, और 1080p लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिल जाती है, और प्लस सुपर फोटो प्लस HDR प्लस ड्रॉ फोटोज आपको इसमें ये मिल जाता है। और इसके साथ आपको मिलता है 32GB का सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड A1 कैटेगरी का, बट A1 कैटेगरी GoPro के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा A2 का ही आप लीजिए। कोई भी आप मेमोरी कार्ड लेते हैं सैंडिस्क का, तो A2 कैटेगरी का आप लीजिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और ये ऐसे कुछ ये अनबॉक्स होता है। अगर हम इसके केस की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम फील देता है, और GoPro की यहाँ पर हमें ब्रांडिंग मिलती है। और ये देखिए,
सबसे पहले हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ पर मिलता है यूज़र मैनुअल, जो आपको GoPro का कैसे सेटअप करना है वो दिखाता है, और ये कुछ रीडिंग मटेरियल्स हैं। ऐसा कुछ आपको इसकी पैकिंग मिलेगी, कितना एक प्रीमियम यार। सो ऐसा कुछ आपको GoPro देखने को मिलता है, और ये जो साइड में है ये है मोड बटन और ये है पावर बटन, और नीचे की तरफ मिलते हैं हमें क्लिप्स, जो कि हम किसी भी उसमें हमें GoPro हेलमेट पे माउंट करना है कि उसके लिए क्लिप्स यहाँ पर ये। तो चलिए इसके बॉक्स में और क्या मिलता है वो देखते हैं। एक हमें मिलती है यहाँ पर डाटा केबल A to C, और एक हमें मिलती है GoPro की बैटरी, ये GoPro की, और एक ही मिलता हमें चिन हेलमेट चिन माउंट, और एक ही मिलता हमें स्क्रू, और एक ही मिलता हमें एक्स्ट्रा जी माउंट। सो चलिए करते हैं इसको एक तरफ, और करते हैं दूसरा जो एसेसरीज हमने इसके साथ मंगाई है, और अभी है वोल्टा ग्रिप, इसको GoPro बोलता है, और इसका मैं आपको रिव्यू जब मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लूँगा उसके बाद मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना। तो अभी ये देखिए, ये है वोल्टा ग्रिप, जो कि GoPro बोलता है क्रिएटर एडिशन हॉलीवुड इन योर हैंड, ये GoPro की टैगलाइन है हॉलीवुड इन योर हैंड। तो चलिए इसको भी अनबॉक्स करते हैं। सो इसमें आपको बैटरी ग्रिप मिलती है, जो कि 4 से 5 घंटे GoPro बोलता है ये आपको प्ले टाइम देता है, और एक ट्राइपॉड स्टैंड जो कि बेसिकली इसी की, ये देखिए पीछे से आपका ये स्टिक भी बन जाएगा और ट्राइपॉड स्टैंड जो है, और एक इसमें रिमोट मिलता है जो कि आप 100 फीट तक आप अपने कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको यूजर मैनुअल्स मिलती हैं, जो कि आज तक जिंदगी में किसी ने पढ़े ही नहीं है, जो भी ये देते हैं, और ये इसमें आपको मिलता है एक टाइप सी केबल इसको चार्ज करने के लिए, और ये इसके कुछ एसेसरीज हैं, एक आपको ये स्क्रू मिलता है, और फाइनली हमें मिलती है एक वोल्टा ग्रिप, ये आपको ग्रिप ऐसे कुछ आपको ग्रिप मिलती है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है इस ग्रिप की, और ये आपकी GoPro में डायरेक्ट कनेक्ट होकर आप सिंगल हैंडेडली GoPro को ऑपरेट कर सकते हैं। आपको मोड चेंज करना है, फोटो मोड आपको चाहिए, 4K मोड, जो भी आपको मोड, वो सिंगल हैंडेडली ऑपरेट आप कर सकते हैं, और ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कि अगर आप कहीं पहाड़ वगैरह पे या कहीं भी आप बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप ऐसे हैंड में डाल कर इसको, ताकि आपका जो GoPro है वो सेफ रहे। यार बहुत प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, और ये ऐसे कुछ ट्राइपॉड ये स्टैंड बन जाता है ये ऐसे, तो बट ये एक्सटेंड नहीं होता है, मेरे को बस इसकी एक यही कमी लगी, अगर ये थोड़ा भी एक्सटेंड होता तो अच्छा था, बट ठीक है जो चीज़ GoPro अलग से शॉर्टी वगैरह सेल कर रहा है, अगर वो इसमें भी एक्सटेंडेड दे देता तो फिर वो शॉर्टी का नहीं रहता। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, अब करते हैं मीडिया मोड, जो कि ये ऐसा कुछ इसमें आता है, ये बेसिकली GoPro के ऊपर अटैच होकर आप एक्सटर्नल माइक्स वगैरह लगा सकते हैं, जो कि GoPro में डायरेक्ट एक्सटर्नल माइक्स नहीं लगते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, तो ये कुछ ऐसे आपको फाड़ना पड़ेगा, कुछ इसमें आपको उसे यूज़र मैनुअल्स मिलते हैं जो कि कोई नहीं पढ़ता, और ये रहा, ये देखिए इसमें भी कुछ माउंट्स हैं, और एक ये स्क्रू है,
जो कि इसके साथ मिला है। और फाइनली ये मीडिया मोड आता है, बेसिकली ये GoPro के ऊपर पूरा फिट हो जाएगा। और ये शटर बटन, और ये है मोड बटन्स, और ये हमें मिलता है ये माइक, और इस माइक के लिए मिलती है हमें ये विंडशील्ड कवर, ताकि अगर कहीं हवा चल रही है उसे डिस्टर्बेंस ना हो। और ये एक तरफ मिलता है हमें ये HDMI पोर्ट, एक मिलता है हमें टाइप सी पोर्ट, और एक मिलता है हमें एक्सटर्नल माइक के लिए 3.5 mm जैक, और ये मिलती है USB टाइप सी, जो कि हमारे GoPro में लग जाएगी और पूरा कंट्रोल मीडिया मोड में हो जाएगा हम जो शटर बटन्स यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं साइड में, और अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं लाइट मोड की। तो ये है हमारा लाइट मोड। जैसे कि आप जानते हैं GoPro की नाइट कैपेसिटी अच्छी नहीं है, अच्छे फोटोज़ नहीं आते हैं, वीडियोज़ कैप्चर नहीं होती है, तो GoPro ने ये बनाया है उसी चीज़ के लिए। चलिए करते हैं इसकी भी अनबॉक्सिंग, सेम एज इट इज फाड़ो। ओ भाई, फाइनली पहला डब्बा ऐसा है कि अच्छे से खुल गया। और हमें सबसे पहले देखने को मिलता है यूजर मैनुअल्स, इनको रखते हैं साइड में। फिर से ये एक एक्स्ट्रा माउंट है, और टाइप सी टू टाइप ए डाटा केबल, और एक छोटू सी, बिल्कुल छोटी सी ये लाइट मिलती है, बहुत प्यारी लग रही है। और इसके साथ मिलता है एक ये डिफ्यूज़र, आप देख सकते हो, ताकि जो ब्राइट होती है LEDs की लाइट एकदम से आंखों में ना चुभे, इसके लिए ये डिफ्यूज़र दे रखा है। और मैं इसकी अगर LED की बात करूं तो ये देखिए, ये फर्स्ट मोड है इसका, ये सेकंड मोड है, ये थर्ड मोड है, फोर्थ मोड पे ये ऐसे ब्लिंक करने लग जाती है। और भाई बहुत ब्राइट लाइट है, मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। और अगर हम बिल्कुल लो लाइट पे रखते हैं तो 4 से 5 घंटे इसका बैकअप मिल जाएगा हमें, जैसे कि GoPro बोलता है। और सेकंड मोड पे 2 से 3 घंटे, और थर्ड उस पे 1 से 1.5 घंटा ही हमें इसका बैटरी बैकअप मिलेगा। और अभी मैं आपको जैसे इसका डिफ्यूज़र दे रखा है उसको लगाकर दिखाता हूँ, एक सूदिंग सी लाइट निकलती है। ये फर्स्ट मोड पे है, ये सेकंड मोड पे है, और ये थर्ड मोड पे है, और ये ब्लिंक। और तो आगे हम चलते हैं, और ये हमने एक ड्यूअल बैटरी चार्जर मंगवाया है GoPro से ही, प्लस इसके साथ एक बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बोल सकते यार, 5800 का हमें ये पड़ा है। इसमें हमें देखने को मिलता है एक ये ड्यूअल बैटरी चार्जर है, टाइप सी हमें इसकी चार्जिंग केबल मिलती है, और इसमें हम 2 बैटरीज एक साथ चार्ज कर सकते हैं। और इसकी ये टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलती है चार्जिंग के लिए, और एक ही हमें इसके साथ बैटरी मिलती है, जो कि ऐसे ये लग जाएगी। तो इसमें तो यही था यार। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में, और फिर हमारा आता है एक छोटा सा टूल। ये दी टूल करके ही GoPro पे आपको लिंक मिलेगा इसका, और मैं आपको बता दूँ ये किस चीज़ के लिए है। ये टूल है स्क्रू को टाइट करने के लिए, इस तरीके से। अगर हम कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में हैं और हमारे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये उसके लिए कि आपका GoPro सिक्योर रहे, अच्छे से आप उसको टाइट कर सको। तो ये जस्ट मैंने यार मेरे को अच्छा लग रहा था, एज अ की रिंग मैं इसको यूज़ कर लूँगा, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी इतनी ठंडी, अगर किसी में माइनस टेम्परेचर जाता हूँ तो वो उसमें भी यूज़ हो जाएगा। और प्लस एक एक्स्ट्रा बैटरी, GoPro की बैटरी 1 से 1.5 घंटा ही लास्ट करती है अगर हम सही से उसको यूज़ करें, और बहुत सारी कंडीशंस में तो वो 1 से 1.5 घंटा भी नहीं चलती है, बहुत कम बैटरी चलती है। तो उसी के लिए हमने एक्स्ट्रा बैटरी मंगवाई है, और उसकी ये ऐसे कुछ ये पैकेजिंग आई है।
अब ये ब्लैक देखकर ये मत समझना ये डुप्लीकेट बैटरी है, ये बेसिकली है एंड्यूरो। ये देखिए ये दोनों बैटरीज GoPro की ओरिजिनल बैटरी है। अभी ये लेटेस्ट ही GoPro ने लॉन्च किया है फॉर माइनस टेम्परेचर, कि अगर माइनस टेम्परेचर में जाते हैं तो ये आपको ही पता है बैटरी अगर माइनस टेम्परेचर में आप यूज कर रहे हो तो बहुत जल्दी ड्रेन होती है, तो ये उसी के लिए एंड्यूरो करके बैटरी निकाली है GoPro ने। तो ये बैटरी नॉर्मल GoPro की बैटरी से ज्यादा एफिशिएंट है, और ये GoPro बोलता है 40% मोर एफिशिएंट देन नॉर्मल GoPro बैटरी। और अगर आप इसके फिगर्स पे जाएंगे तो ये दोनों ही बैटरी 1720 mAh लिथियम आयन बैटरीज हैं, बट अगर हम पावर की बात करें तो वो GoPro एंड्यूरो की ज्यादा है और ये इससे थोड़ी सी कॉस्टली भी है। तो यही था मेरा GoPro का अनबॉक्सिंग। सो जहां तक मेरे को पता है, जहां तक मैं जानता हूँ, ये इंडियाज फर्स्ट क्रिएटर एडिशन है, GoPro क्रिएटर एडिशन। सो चलिए करते हैं इसको असेंबल और दिखाते हैं आपको। सो आपको सबसे पहले इस तरफ से ये आपको GoPro का ये खोलना पड़ेगा, जो कि बैटरी लैच है, ये थोड़ा सा हार्ड खुलेगा, ये थोड़ा सा हार्ड खुलेगा, और ये आपको ये टूटेगा नहीं, बट आपको थोड़ा सा ये इसको पुल करना पड़ेगा, और ये अंदर आप यहाँ पर ये बैटरी जाएगी, और इसी के जस्ट साइड में ये है मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट है, और इसमें ये से ये बैटरी गई, और फिर ये लैच हमें अगर मीडिया मोड हमें यूज़ करना है तो ये लैच हमेशा बाहर रहेगा। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर ये लैच नहीं लगाया, आप अगर आपने मीडिया मोड लगाया तो आपका GoPro वाटरप्रूफ नहीं रहता है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने ये लैच निकाल दिया है तो आप GoPro को यूज नहीं कर सकते हैं अंडर वाटर, आपका पूरा GoPro खराब हो सकता है। तो ये ऐसा कुछ, इसमें फिर हम इसको भी खोलते हैं, ये भी थोड़ा सा हार्ड ही खुलेगा ऐसे, और ये जहां से हमने लैच निकाला था उस साइड से हमें ऐसे ये डालना है, ताकि हमारी ये जो टाइप सी आपको दिख रही है टाइप सी डाटा केबल, वो हमारे GoPro से अटैच होकर पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे मीडिया मोड को दे दे। तो चलिए डालते हैं इसको इसके मीडिया मोड में अंदर, और ये बंद, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एक्स्ट्रा माउंट्स दे रखे हैं आप देख सकते हैं, ये तो आप इसमें लगा सकते हैं आपने एक्स्ट्रा, जैसे ये हमने लाइट मोड मंगवाया था तो आप इसको यहाँ भी अटैच कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको, अभी मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है, अगर आपको माइक लगाना है तो आप इसके ऊपर माइक लगा सकते हैं, और ये हो जाएगी साइड में ये इस तरीके से अटैच, और ये हमारी विंडशील्ड यहाँ पर कुछ ऐसे फिट हो जाएगी। सो अभी हमारे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है तो ये हमने सामने की तरफ लगा दी हमने लाइट, और अभी इसका हमें निकालना है ये क्लिप्स। तो ऐसे कुछ ये सेट होता है, ऐसे कुछ ये इसमें डाल दे, और ये जो है हमारा स्क्रू ये इसमें ये लग जाएगा, और जिसमें आप, मैं आपको जिस भी टूल, जिस छोटू सी टूल की बात, वो इस तरीके से काम आएगा अगर आप कहीं माइनस टेम्परेचर्स में कहीं आप जाते हो, ताकि जब हमारी उंगलियां ये काम नहीं करती हैं और GoPro लूज रह गया तो आपको स्टेबिलिटी में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, और आपका GoPro गिरने का भी बहुत बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ आप इससे टाइप करके, और ये देखिए ये जो केबल है यहाँ पर टाइप सी जो इन्होंने GoPro ने दे रखी है, ये जो एक्सटर्नल केबल है इसको हम लगा लेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये मीडिया मोड में ये दे रखा है इसमें हम अटैच कर देंगे, और ये अटैच करते ही GoPro का पूरा चार्ज अब आ गया है वोल्टा ग्रिप में,
गोप्रो ने चार्ज दिया अपना पूरा मीडिया मोड में, मीडिया मोड से गया वोल्टा में, और अब वोल्टा ग्रिप से पूरा का पूरा चार्ज आपके हाथ में, सिंगल हैंडेडली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका डिफ्यूजर लगाते हैं ताकि आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी ना हो। और ये हमारी लाइट, ये देख सकते हैं, और करते हैं गोप्रो को ऑन। ये ऐसा कुछ इसमें आता है, इंग्लिश, ये कुछ ऐसा सेटअप इसमें दे रखा है। तो ये जैसे ही हम गोप्रो को ऑन करेंगे तो ये है लीगल स्टफ, एग्री और डिसएग्री। तो एग्री करते हैं, और GPS टर्न ऑन टू टैग योर फुटेज विद लोकेशन स्पीड अल्टीट्यूड, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। गोप्रो क्विक ऐप, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्विक ऐप से क्या होगा, आपको अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिलेगा इसमें। सो अभी इसको करते हैं बंद, आर यू श्योर, स्किप, कंटिन्यू। तो लीव योर कैमरा ऑन द फॉलो ऐप, इंस्टॉल द गोप्रो क्विक ऐप एंड योर फोन टू फिनिश सेटअप। सो अभी के लिए इसको करते हैं स्किप, और ये आगे हमारी डेट्स वगैरह जो भी हमें सेट करनी है। और यार टच बहुत अच्छे से रिस्पोंड कर रही है, सो इसको करते हैं अपडेट टाइम एंड डेट एंड टाइम सेट मैन्युअली, डेट एंड टाइम अपडेटेड। ये मीडिया मोड कनेक्टेड का हमारे पास इस पर फ्लैश हो रहा है मैसेज, द माइक इज सेट टू फ्रंट, टैप वीडियो सेटिंग्स टू चेंज इट और सेटअप शॉर्टकट। तो ये आ गया है अपने पास। सो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, पहली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी आप देख सकते होंगे मैंने ये लाइट मोड जो है वो ऑन कर रखा है, तो आप मेरे को बताना कि इस लाइट में और नॉर्मल रूम लाइट्स थी उनमें क्या फ़र्क दिखा आपको। तो ये बहुत धमाकेदार चीज़ लगी यार मेरे को, ये देखिए आप मेरे को बताइएगा कैसे फुटेजेस वगैरह आ रहे हैं। सो अगर आप इसको आप अमेजन से परचेज करते हैं ये सारा आप सेटअप पूरा सेटअप, तो आपको ऑलमोस्ट 1 lakh rupees ये आपको कॉस्ट करेगा। सो चलिए, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा क्या आपको अच्छा लगा क्या आपको बुरा लगा। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा यार। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच।